दोस्तों स्पीडो मैच जो कवर करने वाले ओमान D50 का जो कि एलिमिनेटरी मैच खेला जाएगा, ये ना एलिमिनेटरी मैच, इसके बाद क्वालिफायर और इसका सीधा फाइनल सीरीज को काफी जबरदस्त किया हम सभी के लिए, काफी जबरदस्त सीरीज था। वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत जबरदस्त, मतलब कि आप इसमें अच्छे विनिंग भी कर सकते हो, तो ध्यान से देखना वीडियो, बहुत कुछ सीख के जाओगे। अभी से बोल रहा हूँ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, आप ही का फायदा है। सबसे पहला काम कीजिए, 4 घंटे मैच स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद हम ये वाला मैच भी कवर कर सकते हैं, IBPL और उसके अलावा वुमेन्स का भी कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हम लोग हर एक मैच कवर करते हैं, हर एक मैच। ऐसा नहीं कि अभी से टेलीग्राम चैनल फ्री है, सालों से फ्री है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको फाइनल टीम सबसे पहले मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है और कमेंट बॉक्स में पिन है, लिंक 100% काम करता है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। बस रिक्वेस्ट एक ही है कि आप फेक मत ज्वाइन करना, सर्च करने से हजारों फेक आएंगे, तो आप सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाना, लिंक पे क्लिक करिएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे 36,000 से ज्यादा लोग हैं, जहाँ पे विनिंग टीम और फाइनल टीम सबसे पहले। अगर आप लास्ट मैच भी देखोगे तो एक तरफा ही विन किए मेरे भाई, देखो हर एक मैच हम लोग कवर करते हैं, हर एक मैच देखो, ये मैच एक तरफा गेम विन किए थे, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा फाइनल टीम के लिए। एंड अब बात करते हैं, मैं इंपॉर्टेंट चीजें कवर अप करता हूँ, कोई ऐसा टाइम पास वगैरह बिल्कुल भी नहीं, मैं लास्ट अच्छे स्कोर कार्ड प्रेफर करूंगा, ना कि स्टैट्स वगैरह, ठीक है, क्योंकि हम लोग रेगुलर प्लेयर है, हर प्लेयर को अच्छे से जानने कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट अच्छे स्कोर कार्ड से अच्छे स्टैट्स कोई नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप स्टैट्स देखकर टीम क्रिएट करते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई, उससे अच्छा है कि लास्ट अच्छे स्कोर कार्ड देखो, क्योंकि हर प्लेयर का अच्छे जान रहे हो तो स्टैट्स क्या ही मैटर करेगा। हर कोई कब जान रहे हो कि कौन सा प्लेयर कैसा है, कैसा फॉर्म में रहता है, कितने मैचेस से चलता है, कितने मैचेस से फ्लॉप जाता है, ये सब चीज़ें तो सबको पता है। लास्ट अच्छे स्कोर कार्ड बस अभी नहीं पता रहता, वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो देखोगे सबसे पहले बस्टर्स और टाइटंस का ना, बस्टर्स जो कि अपना लास्ट मैच खेल के आ रही है, लास्ट मैच बस्टर जो कि ऊपर है देख सकते हो, टाइटंस जो कि खेल के आ रही है 9th मैच, और बस्टर्स खेल के आ रही है 8th मैच, तो 8 और 9th में चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करना चाहेंगे बस्टर्स के, उसके बाद हम चेक कर लेंगे टाइटंस का। तो बस्टर्स की टीम कैसे देखोगे, जो कि अच्छी टीम है भाई, इनके पास अच्छे प्लेयर्स, उन दोनों अच्छी टीम है, इसकी बात नहीं है, दोनों ठीक है। तो देखो बस्टर्स की टीम 10 ओपन करेंगे, टीम 10 से हमें तो इफाक जो कि ओपन करेंगे, टीम के विकेट कीपर आदिल अहमद साफिक जो कि टीम 10 से ओपन करेंगे, अकीब लियास वरना बैटिंग करेंगे, नो डाउट आपको पता है ओमान का सबसे बड़ा प्लेयर अकीब लियास है, उसके बाद आता है जिसन मकसूद, फिर आता है अयान खान, ये सब चीज़ें आपको पता ही है। उसके अलावा आदिम उस्मानी जो कि टीम 10 से 100 रन मारे, टीम 10 से अच्छा प्लेयर, टीम 10 से फॉर्म बनता है, टीम उस्मानी हर मैच स्कोर कर रहा है लगातार, कॉन्स्टेंट प्लेयर टीम 10 से। आसिफ खान जो कि ये भी इंटरनेशनल मैच के प्लेयर है, उसके अलावा हमाद मिर्जा अवेलेबल है, वासिम अली है, सुफियान महमूद जो कि पता नहीं कि बॉलिंग तो कुछ खास नहीं कर रहा अभी, लेकिन अच्छा प्लेयर टीम 10 से, तो बैटिंग वाला तो इसे कोई कमजोर तो मुझे नहीं, क्योंकि अकीब लियास वरना संभाल के लिए सबसे पहली बात जो कि बहुत अच्छी बात है भाई, ओपन भी कर रहे हैं, तो मोहम्मद इफाक ओपन कर रहे हैं टीम 10 से, इफाक ओपन कर रहे हैं आदिल अहमद साफी के साथ, आदिम उस्मानी जो कि टीम 10 से फोन है बैटिंग कर रहे हैं, आसिफ खान जो कि फिर ना बैटिंग करेंगे, मोहम्मद मिर्जा जो कि सीखना बैटिंग करेंगे, ठीक है बैटिंग ऑर्डर कोई दिक्कत नहीं है। बॉलिंग लाइनअप्स की बात करें तो फर्स्ट पावर प्ले में टीम 10 देखोगे, सबसे पहले सुफियान महमूद को मैंने देखना चाह रहा था कि बॉलिंग कितना ओवर कर रहा है, सबसे बड़ी बात अच्छी बॉलिंग किया बंदे ने। सबसे पहले इंजोर से तो फवाद अली ने स्टार्ट किया 6 ओवर बॉलिंग के लिए, विकेट ले लिया शायद मुजमेल के साथ, उतना कुछ खास बॉलिंग नहीं किया बंदे ने। उसके अलावा सुफियान जो कि टीम 10 से 10 ओवर बॉलिंग के 1 विकेट ले गए, इमरान अली 3 ओवर बॉलिंग किया, वसीम अली 4 ओवर बॉलिंग किया, आकिब लियास भाई पूरे ओवर बॉलिंग भी किए 9 ओवर, और टीम 10 से 2 विकेट लेके गए, आसिफ खान 2 ओवर बॉलिंग किया, आदिब उस्मानी जो कि फोन है बैटिंग भी किए, और बंदे ने टीम 10 से 6 ओवर बॉलिंग 2 विकेट्स लिए और सेंचुरी भी मारा, जबरदस्त प्लेयर टीम 10 से। तो देखो तो काफी जबरदस्त है, ठीक है परफॉर्मेंस। बॉलिंग से वो तो प्रसाद की तरह बॉलिंग बांटा गया है भाई, सब किसी को थोड़ा थोड़ा, ठीक है वासिम को भी 4 ओवर दे दिया था इन्होंने, ठीक है वासिम वाली तो बॉलिंग करता ही है, ठीक है आसिफ खान जो कि वो इतना बैटिंग किया और बॉलिंग क्यों दे दिया भाई इतना, चलो ठीक है यार। अब अगर देखते टाइटंस का, जो कि ये भी ठीक ठाक टीम है भाई, टाइटन जो कि अपना लास्ट मैच, ये रहा टाइटन्स 9th मैच मैंने बोला था ना, तो टाइटन्स की टीम देखोगे तो ओपन कर रहे टीम की तरफ से, ओपन करेंगे टीम के विकेट कीपर केशन, इनका भी ओपनिंग करेंगे टीम तरफ से, धनुष देखोगे धनुष का प्रसाद के साथ ओपन करके, रविंद्र जो कि वरना बैटिंग तो कर रहा है लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, हर मैच 0 रन पे आउट होने की क्या सोच रखा है बंदे ने, हर मैच में मतलब क्या आउट हो रहा है जल्दी यार, किसी में एक किसी में 0। जिसन मकसूद फोन है बैटिंग कर रहे, शेख साकिल जो कि टीम तो से फोन है बैटिंग, फिर ना बैटिंग कर रहे, निषाद है, उबैद उल्ला है, आमिर कलीम है, जो कि आमिर कलीम इतना नीचे बैटिंग चल गया भाई देखो, तो
आमिर कलीम वही ना टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी कर रहा था बंदा, अभी देखो बैटिंग ऑर्डर उसके क्या हालत हुई है, इतना नीचे चले गया आमिर कलीम। लेकिन बॉलिंग बंदे ने पूरा किया होगा, तो बैटिंग ऑर्डर देख लो यहाँ पे रविंद्र का क्या करें मुझे समझ नहीं आ रहा। रविंद्र करुणंदे का पता नहीं यार क्या हो गया इसको, फॉर्म में नहीं आ रहा, लेकिन बॉलिंग क्या होगा बंदे ने देख रहा। न्यू बॉल से स्टार्ट कर रहे थे टीम 10 से, बॉलिंग भी नहीं किया था हीरो जी, तो न्यू बॉल से स्टार्ट किया था कौशिक जो कि अच्छी बॉलिंग करते, फर्स्ट पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करते बंदा। शफीक जैन कुछ खास बॉलिंग नहीं किया, आमिर कलीम जो कि 9 ओवर बॉलिंग किया, मोहम्मद यूसुफ जो कि 7 ओवर बॉलिंग किया, जिसन मकसूद 10 ओवर बॉलिंग के 1 विकेट ले गया, उबैद उल्ला जो कि टीम 10 से 5 ओवर बॉलिंग के 1 विकेट ले गया, निशा जो कि टीम 10 से देखोगे निशा जो कि 7 ओवर बॉलिंग के 1 विकेट ले। सॉरी चलो हटाए, ज़्यादा टाइम भी नहीं है मुझे भी टीम में जाना है, तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट थी। एंड बात करते उससे इंपॉर्टेंट बात प्लेयर वाइज सेंस, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहना, फाइनल टी और विनिंग टी आपको सबसे पहले मिल जाएगा, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक है उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ही का फायदा होगा, और सालों से फ्री है, नहीं कि 2 3 4 साल से, सालों से फ्री है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से ज्वाइन करना, सर्च करें हजारों फेंक आएंगे, ये वाला मैच भी कवर करेंगे और ये वाला भी देखते हैं। बात करें विकेट कीपर शेयरिंग, उससे पहले दोस्तों वीडियो को जो लाइक कर दो, मोटिवेशन मिलता है प्लीज वीडियो जो से लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर सेट कर दो, जिससे आने वाले वीडियो से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बात करें विकेट कीपर देखो आप ही का फायदा है, मेरा कुछ फायदा नहीं है, सब्सक्राइब जो से कर, सभी रिक्वेस्ट है सभी से कि देखो आप भी ऐसे मैचेस कोई नहीं कवर करता है भाई, ऐसे मैचेस कोई नहीं, ऐसे मैचेस कवर करने हिम्मत चाहिए होता है, आप पैट टीम वाले को अगर दे दो ऐसे मैच का तुरंत फट जाएगी, लेकिन हम लोग इतने अच्छे मैचेस ये सब कवर करें, तो एक लाइक जो से कर देना, चाहे सब्सक्राइब जो से कर देना। देखो विकेट कीपर सेशन से पहले आपको एक टिप्स देता हूँ, जो टीम पहले बैटिंग करे आप उसका विकेट कीपर ले, क्योंकि दोनों ही विकेट कीपर ओपनर्स है और दोनों ही टीम्स अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं बोल रहा दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन अब केशन के साथ जाते हैं क्योंकि सेफर ऑप्शन स्मॉल टीम में क्रिएट कर रहा हूँ, ग्रेट टीम में साफी को ट्राई कर लेना, वैसे है तो सही प्लेयर, कोई दिक्कत नहीं है, बट केशन के साथ जाते हैं। उसके अलावा आदिब उस्मानी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही कर रहे हैं, सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहे भाई, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है टीम का, कवर कर लो, सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहा बंदा, देखो बैक टू बैक दो मार, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है टीम का, कवर कर लो। उसके अलावा क्या ही बोले, कुरुनंते को रविंद्र कुरुनंते कुछ खास फॉर्म में चल नहीं रहा, के निशाद वगैरह है, लेकिन मैं प्रिफर करूंगा अभी अगर एक ही पिक है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर सेकंड पिक करने के मन कर आसिफ खान और रविंद्र कुरुनंते, ये दो अच्छे ऑप्शन है, तो आप चाहो तो इन दोनों को अपनी टीम में जगह दे सकते हो। अभी के लिए मैं एक ही पिक करते हैं, अगर कोई जरूरत पड़े तो देखा जाए आसिफ खान और रविंद्र कुरुनंते दोनों अच्छे ऑप्शन है भाई, के निशाद तो बॉलिंग भी किया जाता है, तो ठीक है देख पिक करेंगे, एच इरफान ग्रेट ट्राई कर ले ओपनिंग कर रहा है, फिलहाल के हम साइड एक ही पिक करते, पिक करेंगे ऊपर भी आकिब लियास भाई, आंख बंद पिक करो कैप्टन का इस मोनिटी में, इससे अच्छा ऑप्शन मिलेगा भी नहीं आपको। वासिम अली पहली बार तो बैटिंग तो करने आ रहे हैं मैं मानता हूँ, बॉलिंग भी कुछ खास तो नहीं किया था, लेकिन रुक जाओ वासिम अली को अपना मन नहीं कवर करने मूड नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा हाई दिमाग खराब हो जाता है, कुछ खास तो किया नहीं लास्ट 2 मैचेस का परफॉर्मेंस, लोग कवर तो कर लेते हैं, हालांकि बच्चे ज़्यादा पॉइंट्स दिया है मैं खुद मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन दिक्कत ये है ना कि वसीम अली का कुछ कंफर्म रहता नहीं, जिसन मकसूद का पिक कर लेते, उसके अलावा कलीम आमिर कलीम को पिक करना भाई इंपॉर्टेंट ऑप्शन, क्योंकि सब कोई कवर कर रहे हैं, पहली बार तो बैटिंग लेकिन अब नीचे हो गया इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, लेकिन फिर भी बंदा अच्छा बॉलिंग करे, सुफियान महमूद ट्रम्प कार्ड हो सकता है, अगर आप वसीम अली नहीं पिक कर रहे हो तो उसके साथ इंपॉर्टेंट ऑप्शन होना चाहिए, तो मैं पिक करना चाहूंगा, तो मैं 4 ऑनर पिक कर रहा हूँ, अगर फिफ्थ का पिक करना देखो एस आई का अगर देखोगे बैट अगर आप सिलेक्शन तो ज़्यादा तो है, और बॉलिंग भी देखोगे स्वस्थ के लिए देखो यार सेक से के लिए सिर्फ 2 ही बार बॉलिंग किए, लोग कवर कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा स्किल यूज़ करना चाहूँगा, इन सबको साइड रखना चाहूँगा, 4 पिक करते बॉलिंग से ईशान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फवाद अली न्यू बॉल से स्टार्ट करते, लोग कवर करें 1 2 3 का नीचे कर पे, क्योंकि आपको वो नहीं करना है, नीचे देख लेते कोई अच्छा प्लेयर्स अगर मैं मिल गया तो देखोगे, तब अपनी टीम में 7 प्लेयर्स पिक कर चुका हूँ, 7 में से शायद किसी को भी आप ड्रॉप नहीं कर सकते टीम में, हाँ सुफियान महमूद को कुछ लोग बोलेंगे, लेकिन ये भी जबरदस्त प्लेयर है जो रेगुलर पे उनको पता है जब से, अब रिस्क लेने स्टार्ट करते हैं, 7 प्लेयर्स इंपॉर्टेंट थे, अब जो बचे हुए 4 प्लेयर्स है अब रिस्क लेना पड़ेगा आपको, तो सबसे पहले हम अगर आप देखोगे विकेट कीपर हैं, एक और विकेट कीपर अच्छा है, लेकिन एक विकेट कीपर इस मोलिटी में इनफ रहता है, तो उसको साइड रखिए। आसिफ खान मिडल और बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, 2 4 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, उसके लिए करुणानंदे ट्रम्प कार्ड हो सकता है, मैं पर्से अगर आप रिस्क लेने का शौक है तो करुणानंदे के साथ जाइएगा, क्योंकि बंदा अभी लास्ट 2 3 मैचेस से फ्लॉप जाए, 2 मैचेस लगातार फ्लॉप गया है, लेकिन उससे पहले अच्छा स्कोर किया था बंदे ने, अच्छा प्ले टीम से कोई दिक्कत नहीं पिक करने में, बॉलिंग भी कर रहा था लेकिन अलग किस्मत खराब है, तो ग्रेलिट ट्राई कर लेना, एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है, के निशाद अच्छी बॉलिंग कर रहा था, इधर साइड ऑफ आसिफ खान के साथ जाना चाह सकते हो, जो कि फोर्थ फिफ्थ बैटिंग कर लेगा टीम 10 एक सही ऑप्शन हो सकता है, चलो आसिफ खान के साथ चले तो वनडे मैच बैटिंग आ जाएगी, तो यहाँ पे एक ले लीजिए। उसके अलावा वासिम अली को पिक करें नहीं करें, ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला मोमेंट है, क्योंकि बंदा बॉलिंग 3 ओवर ही लास्ट में किया था, लेकिन बॉलिंग किया था बंदे ने, हालांकि बॉलिंग करता है जनरली अच्छा खासा,
तो ले सकते हो रिस्क, लेकिन इधर बॉलिंग में देख लेते हैं, फवाद अली निमो से स्टार्ट कर रहा है, उसके अलावा हुसैन वगैरह भी है, उसके अलावा उबैदुल्ला भी है, अच्छा है, एम यूसुफ ट्रम्प कार्ड हो सकता है, अगर आप एम यूसुफ की बात करें तो ट्रम्प कार्ड होगा, पक्का बोल रहा हूँ। सात और बॉलिंग किया, सेकेंड पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग किया बंदे ने, उबैदुल्ला ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग किया है, तो मैं इनके साथ जाना प्रिफेर करूंगा अपनी टीम में यूसुफ के साथ। ये पहला रिस्क ले लिए, अब दो प्लेयर्स और रिस्क लेना है यार, अब दो प्लेयर्स देखोगे नीचे देखोगे तो कोई से, हाँ एक ये मानता हूँ अच्छा प्लेयर है, पहले ऑलराउंडर से रहा करता था। देखो तो दो प्लेयर्स ऊपर रिस्क ले रहे हैं, तो अगर आप चाहो तो ले सकते हो, तो फवाद अली अच्छा प्लेयर मानता है, जीवो से स्टार्ट करते समय बॉलिंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो डेफिनेट राइट बट एम यूसुफ ट्रम्प कार्ड रहेगा, पक्का बोल रहा हूँ, ये ट्रम्प कार्ड पिक है, इसलिए मैं रिस्क लिया हूँ। उसके अलावा ये सब ठीक है, लेकिन इससे मज़ा नहीं है, रिस्क लेना, इमरान अली वगैरह भी अवेलेबल, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा वसीम अली को ले लूँगा, मिडल ऑर्डर भी हमें चाहिए, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब अपनी टीम में किसको लोगे? मैं मिडल ऑर्डर संभाले के लिए, प्लस बॉलिंग भी कर लेगा, बॉलिंग अच्छी अच्छा ही करते, कोई दिक्कत नहीं वसीम अली में, तो पाँच ऑलराउंडर पिक कर लिए। अब अपनी टीम में पिक करना है मुझे लास्ट प्लेयर, 11th प्लेयर, जो कि मेरा ट्रम्प कार्ड होना चाहिए, अब मैं बहुत सेफा टीम क्रिएट कर चुका है टीम, तो देखोगे अपना 11th प्लेयर, चाहो तो बॉलिंग सेक्शन में ले सकता हूँ यहाँ पे फवाद अली वगैरह, बट ये सब मुझे उतनी पसंद नहीं है, हालांकि वो से स्टार्ट करते समय बॉलिंग करता है, अगर स्टार्टिंग विकेट लिया तो पक्का विकेट लेके देख ही देगा, तो अच्छा बॉलिंग करता है, लेकिन मैं जाना चाहूंगा जो मुझे लगता है मुझे मिडल ऑर्डर में स्ट्रॉन्ग करना है और मुझे बॉलिंग भी चाहिए, तो मुझे तो के निसाद और यहाँ पे एस सही कोई अच्छा प्लेयर आपको मिलेगा, तो मैं फिलहाल के लिए जाना चाहूंगा मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करने के लिए के निसाद के साथ, जिसका सिलेक्शन मात्र 8% तो है ही, लेकिन बंदे ने सात और बॉलिंग भी किया था लास्ट बचे, प्लस टीम तरफ से अच्छा किया था परफॉर्मेंस, इसलिए मैं पिक करना चाहूंगा, एक ही मैच तो खेला था यार, मिडल ऑर्डर बल्लेबाजी कर फिर सीधा बैटिंग कर लेगा, अच्छा ऑप्शन है, प्लस बॉलिंग भी पूरे ओवर करेगा तो कोई दिक्कत नहीं कवर करने में, फिर ना बैटिंग भी कर लेगा और 50 ओवर का गेम में बैटिंग आ ही जाएगी इसकी, तो देखो मैं जान तो चाह रहा था बॉलिंग से, लेकिन क्या है कि अगर इधर भी अगर मुझे उतना ही ओवर मिल रहा है और मुझे बॉलिंग भी सिर्फ बॉलिंग ही मिल रहा है, बट इधर तो मुझे बैटिंग भी मिल रहा है, तो मैं सोचा बैटिंग को भी लेके चलते हैं, क्योंकि इनका मिडल ऑर्डर मुझे चाहिए टाइटेंस का संभालने के लिए, तो काफ़ी परफेक्ट से एकदम बैलेंस टीम क्रिएट किया ताकि हर कोई मुझे पॉइंट्स दे, इसलिए मैं से टीम क्रिएट किया हूँ। ऐसी बात नहीं है कि आप सोचते हो इनके बॉलिंग भी मैंने काफ़ी अच्छे पिक कर रखे, इनके बॉलिंग भी मैंने काफ़ी अच्छे पिक कर रखे, और एक के ही साथ बस एक ले लिया बैकअप के लिए कि मुझे बैटिंग बॉलिंग दोनों ही पॉइंट्स मिल जाए, क्योंकि बंदे ने अच्छी परफॉर्मेंस दिया था लास्ट मुझे। कैप्टन सेट में बात करें तो मैं एज ए कैप्टन, हाँ आप चाहो ना कुछ लोग बोलेंगे तो एस साइल को ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये टीम जैसे फोर्थ विनर बैटिंग ये भी कर लेता है, ठीक ऑप्शन है, लेकिन बॉलिंग इसने कुछ खास लास्ट उसे किया नहीं था, बट रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क लेके खेलो अच्छा खासा अमाउंट विन करोगे। कैप्टन सेट में बात करें तो मैं एज ए प्रिफेर करूंगा जो मुझे लगता है कि लिया जिस मकसूद अच्छा ऑप्शन मिलेगा ही, फालतू किसी टाइम ऐसे गोल गोल घुमाने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हर कोई जाते हैं दोनों इनफॉर्म प्लेयर है, ओमान का सबसे टॉप प्लेयर आकिब लियास है, फिर जिसन मकसूद है, फिर अयान खान है, हर कोई अच्छी चीज़ जानता है, तो भाई इसमें ज़्यादा रोटेट करने वाली बात ही नहीं है। सुफियान मेमो ट्रम्प कार्ड है मेरा, के निसार ट्रम्प कार्ड है, एम डी यूसुफ ट्रम्प कार्ड है, ये तीन प्लेयर्स पे मैंने रिस्क लिया हूँ, और तीनों में से तीनों ऐसा नहीं फ्लॉप जाएगी, तीनों भी चलेंगे देख लेना। सबसे ज़्यादा होप मुझे सुफियान महमूद से है, जिसका सिलेक्शन इतना कम है, उसकी जगह पे लोग साहिल को ट्राई कर रहे हैं, बट आप चाहिए इनके साथ सेम टे क्वार्टर्स बुक कर दो, सेम टे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो टीम है स्मॉल ही टीम है, जैसे आप हेडक्वार्टर्स लेकर 100 मेंबर्स तक जा सकते हो। मिलते हैं फाइंड सर टेलीग्राम पे, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, मुझे टीम भी देने जाना है, टेलीग्राम चाहे ज्वाइन कर लो, ठीक है, बाकी वीडियो को जूस लाइक कर, बहुत लॉजिकली समझाओ और बहुत इजीली वे में समझाओ, सेम टे क्वार्टर्स बुक कर दो, काफी परफेक्ट और काफी बैलेंस टीम है, एकदम न्यूट्रल टीम है, जा सकते इन्वेस्टमेंट करना सेम टीम के साथ, और टेलीग्राम चाहे ज्वाइन करें सेम टीम स्क्रीनशॉट ले लो, और मिलते हैं टेलीग्राम पे फाइंड टीम के साथ, ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है।